स्टेज पर तो बांग्लादेश बांग्लादेश तो 50 ओवर भी नहीं खेला बट इससे तो ये भी साबित होता है ना, आरिस साउफ ने 4 विकेट लिए हैं, नसीम शाह के 3 विकेट हैं, विच री इन्फोर्सेस द पॉइंट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एक आउट एंड आउट जब आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स होंगे तो किसी एक का अगर ऑफ डे हो भी गया कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है, कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है। आप बताइए कि अगर ऊपर वाले बैट्समैन रन नहीं बनाते तो 8-9 नंबर, आई डोंट नो, खैर वो डिबेट डिफरेंट है, बट आई थिंक पाकिस्तान आर वार्मिंग अप वेरी नाइसली। मुझे लगता है फहीम और सौद शकील में से एक को उनको बाहर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप की टीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ यार। क्या जबरदस्त किस्म की रिएक्शन लाता हूँ मैं यार, आपके जो है मतलब की रिएक्शन लाता हूँ। इंडियन मीडिया किस तरह से पागल हो जाता है जब पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे वो इंडिया के साथ हो, अफगानिस्तान जिसके साथ भी हो, पाकिस्तान का मैच, लेकिन इंडियन मीडिया का रिएक्शन ही कुछ और होता है। आप इंजॉय किया कह रहे हैं यार, अभी जैसे कल मैच हुआ है अफगानिस्तान और श्रीलंका, क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है अफगानियों ने यार। मैं अफगानियों के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन कल का मैच मैं सपोर्ट कर रहा था कि यार जीते और हमारे साथ आके मैच खेले ताकि मजा भी तो आए। इनका मैच भी ऐसा होता है जैसे हम इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, मजा आता है यार। तो अभी इंडिया पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है भाई, ये तो भाई भाई है, हम कुछ भी हो जाए वो जीते हम भाई भाई है। लेकिन ये इंडियन मीडिया जो है किस तरह से पागल हुआ हुआ है यार, क्या गलीज किस्म के जो है अल्फाज इस्तेमाल किए यार, और देखिए कितनी घटिया किस्म के जो है लैंग्वेज यूज़ कर रहा है यार, चाहे वो कोई भी हो। ये देखें और फिर आते हैं आपके पास, इंजॉय करें। आई थिंक सिमिलैरिटी इंडिया की इनिंग से रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वहां पर भी 4 विकेटें गिरी, पार्टनरशिप आई, और एंड में आके उनके जो तेज गेंदबाज थे द मोमेंट दे केम बैक उन्होंने आपकी टेल को रन नहीं बनाने दिए, यही इनके साथ हुआ। अब दिक्कत यह है कि साकिब ने 53 बनाए, मुशफिकर ने 62 बनाए, आपके एक प्लेयर ने 82 बना दिए थे, एक ने 87 बना दिए थे, लेकिन एक स्टेज पर तो बांग्लादेश तो 50 ओवर भी नहीं खेला। बट इससे तो यह भी साबित होता है ना, आरिस साउफ ने 4 विकेट लिए हैं, नसीम शाह के 3 विकेट हैं, विच री इन्फोर्सेज द पॉइंट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एक आउट एंड आउट जब आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स होंगे तो किसी एक का अगर ऑफ डे हो भी गया कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है, कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है। आप बताइए कि अगर ऊपर वाले बैट्समैन रन नहीं बनाते तो 8-9 नंबर, आई डोंट नो, खैर वो डिबेट डिफरेंट है, बट आई थिंक पाकिस्तान आर वार्मिंग अप वेरी नाइसली। मुझे लगता है फहीम और सौद शकील में से एक को उनको बाहर करना पड़ेगा वर्ल्ड कप की टीम में, तो शायद वो आज फहीम को देखना चाहते थे, मुझे लगता है कि ये है, नहीं तो वसीम जूनियर भी खेल सकते थे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी खेल सकते थे। उन्होंने फहीम अशरफ को मुझे लगता है इसलिए खिलाया क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो उनकी 15 जो आई थिंक पाकिस्तान ने आज शायद अनाउंस करनी है उस 15 में क्या होगा। आपने सर देख कहते ना कि वो जमाना होता था जब आपने वेस्ट इंडीज का पेस अटैक देखा हुआ, वो पेस अटैक देखा नहीं मतलब टीवी पे देखा, नहीं ग्राउंड में भी देखा है, आपने देखा हुआ है, मतलब हमने शायद अख्तर वकार यूनुस और उनको देखा, ये तिकड़ी अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वसीम वकार शोएब अख्तर के बाद से लेके अब तक किसी टीम में, भाई आज आप 2-3 साल पीछे जाएं, आपके बुमराह, शमी, सिराज ये भी थे और इनके हाथ में तो कला भी थी ना, ये तो स्विंग और सीम भी थी। तो आज यस शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ का वक्त चल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि उनके लिए पाकिस्तान के ये यंग है टीमों, ये यंग भी हैं और ये अब चढ़ के गेंद डाल रहे हैं। आई थिंक चेंज आया है पाकिस्तान क्रिकेट में और शायद ये हमें भी सोचना होगा इंडिया में बैठ के या कहीं और बैठ के कि जब एकदम हम पाकिस्तान को रबिश कर देते थे, ऐसा नहीं है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द टीम, आपको उस टीम को रिस्पेक्ट तो देनी होगी ना, उस टीम ने जो मर्जी कही है, आप आज अपने आप को एशिया कप का प्रबल दावेदार बनाया है, आज वर्ल्ड कप में सब बात कर रहे हैं ना उसकी, आपने जो कल वर्ल्ड कप की टीम चुनी है आप सब बोल रहे हैं ना यार इंडिया ने ना बड़ी सेफ सी टीम चुनी है, सेफ सी टीम चुनी है, क्योंकि इंडिया की वही दिक्कत थी कि 12-13-14-15 ढूंढते थे, क्यों आप 12-13-14-15 ढूंढते थे, अगर ना यार सलामी बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो एक फॉल बैक होना चाहिए, अगर यार ये दो स्पिनर नहीं चलेंगे तो फलाना होना चाहिए, अगर यार ये मिडिल ऑर्डर में ही हो गया तो होना चाहिए, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारी 11 में वो बैलेंस होना चाहिए, हमारी 11 में वो मतलब एक्स फैक्टर होना चाहिए, हमारी 11 वो लड़ाकू 11 होनी चाहिए। तो मुझे भारत की टीम को देख के बड़ा ऐसा लगा, बड़ी सेफ सी इंडिया ने सिलेक्शन की है। अब पाकिस्तान की दिक्कत उनकी बैटिंग है भाई, उस दिन भी उन्होंने जो बॉल डाला तो 266 लोग कह ही रहे थे ना कि 50 ओवर का मैच इन कंडीशन में होगा, शायद पाकिस्तान चेज नहीं कर पाएगा, तो जिस दिन उन्होंने बैटिंग करनी शुरू कर दी वो एक टॉप टीम बन जाती है। बट जो शाहीन अफरीदी ने, हारिस रऊफ ने या नसीम शाह ने बॉल डाला है, तो परसों इंडिया था,
आज बांग्लादेश है, कल कोई और भी होगा। तो क्या बिल्कुल ये कर देना चाहिए कि आप विकेट कैसा भी हो, चाहे वो स्पिन को असिस्ट कर रहा हो, क्योंकि इतना स्पिन उनके कारगर स्पिनर्स नहीं हो रहे, तो यार क्यों ना हम अपना पेस अटैक ही डाल दो ऊपर से कहीं मिस्टर सैनफी, उसमें आप पाकिस्तान को तो एक शादाब और चार फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए उनके लिए। देखिए वो आगा से भी बॉल डलवा सकते हैं, इफ्तिकार ने भी आज थोड़ा बहुत बॉल डाला है अगर आप फंस जाते हो, बट जिनके पास आउट एंड आउट चार फास्ट बॉलर होंगे वो फंसेगा नहीं। ये अटैकिंग आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस जिस टीम के पास होगी वो टीम फंसेगी नहीं। जहां पे आप एक स्लॉट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप ये ना भूलें, सपोज इंडिया है, सपोज इंडिया कह रहे हैं हमने चार अटैकिंग गेंदबाजों के साथ जाएंगे प्लस एक अक्षर या शार्दुल और एक हार्दिक है, सपोज कीजिए एक आपके मेन स्ट्रीम बॉलर का खराब दिन हो गया, अगर एक का खराब दिन हो गया तो फिर टीम रहेगी ना। तो ये मुझे लगता है कि आई थिंक कॉम्बिनेशन के लिहाज से, बाकी ये भी है कि इस विकेट पे आके थोड़ा बहुत आपने देखा होगा इससे रन जय भी है बरोज भी है, जय आप कैसे देखते हो मतलब इस विकेट पे पाकिस्तान नो डाउट का पेस अटैक बड़ा अच्छा है, बट मिडिल ओवर्स में जब दो दो की पार्टनरशिप अच्छी बन गई थी तो क्या थोड़ा सा मतलब इतना भी नहीं, बट अब पिछले मैच में हम बात कर रहे थे कि बाबर ने इंडिया को ढीला छोड़ दिया, जब एक पार्टनरशिप लग रही थी उन्होंने अपने गेंदबाजों को हटा दिया, बट आज उन्होंने सही टाइम पे हरीश राव को वापस लाए, दो विकेट उन्होंने लिए, एक मोमेंटम तोड़ दिया, पहले पार्टनरशिप टूट चुकी थी, बांग्लादेश फिर से बैकफुट पे आ गई थी, तो वो दो विकेट उसके बाद तो कितने रन बने, मुश्किल से 10 रन बने और टीम ऑल आउट हो गई है। मनोज बांग्लादेश पेस से तो पता नहीं क्यों घबराती है, बैटिंग की ताकत ही है, और इवन नसीम शाह का थोड़ा सा एक इंजरी स्केयर जरूर लगा था कि नसीम जिस तरीके से बीच में चोटिल हुए थे उस वक्त पर एक चीज जरूर लगी यार कि ये कहीं ज्यादा दिक्कत वाली चीज ना उनके लिए हो जाए, बट देन उसके बाद वापस फील्ड पर आए, बॉल भी उन्होंने करा है, और आज देखो वो पार्टनरशिप तोड़ी तो फहीम अशरफ ने ही ना, मतलब एक मीडियम पेसर नहीं, क्योंकि नवाज और जो शादाब वाली चीज थी, अब यहाँ पर ठीक है अलग अलग सोच हो सकती है, मे बी पाकिस्तान को लगा कि इनके पास लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, बांग्लादेश के पास हमेशा रहता है, उस स्पिन को बढ़िया भी खेल लेते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके हर एक गली में रहते हैं और उनके पास बैटर्स जो उनकी लाइनअप होती है लेफ्ट हैंडर से पैक भी रहते हैं, बट आई थिंक सही डिसीजन भी उनका रहा है, और थोड़ा यही है कि जरूरत पड़ने पर देखो आज इफ्तिकार ने डाल दी, एक दिन हमने देखा था कि आगा ने बढ़िया डाल दिए चार पांच ओवर, आज इफ्तिकार ने चार पांच ओवर बढ़िया डाल दिए, तो उनके पास वो दो ऑप्शंस भी है ना, अदर देन वो पांच जो उनके मेन रहेंगे, चाहे आप चार फास्ट बॉलर्स और एक आज शादाब होंगे, शादाब है आगा सलमान अगर आप खिलाड़ी को डालिए, आपके पास लग्जरी है कि आप ऑल आउट पेस अटैक के साथ जा सकते हो, पर एक कंसर्न मिडिल ओवर वाला है, क्योंकि मिडिल ओवर में दो डाउट यार, दो दुनिया के अच्छे बल्लेबाज थे जो बैटिंग कर रहे थे, लंबे टाइम से खेल रहे दोनों, मुश्किल रही बहुत शाकिब, बट आज ये था कि देखो कंपैरेटिवली पिछले मैच के अकॉर्डिंग आप ही कहोगे, आज ये नहीं था कि वो पार्टनरशिप ऐसी लगी कि रन भी लगातार चलते जा रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी कंजर्वेटिव अप्रोच था, हालांकि वो दिक्कत ये है ना कि कंजर्वेटिव, क्योंकि उनको भी पता है कि नीचे फिर बैटिंग आपकी डेप्थ नहीं है, वही कह दो अगर देखो आज ये होता कि अगेन सेम चीज हो गई कि लग गई जी पार्टनरशिप, जैसे ईशान और हार्दिक की पार्टनरशिप ऐसी लगी कि वो फर्क ही नहीं पड़ा कि विकेट गिरे और रन रेट पर चलते रहे उस तरीके से निकलती रही, आज उनके पास